लाइट दोनों बैंड हो गई, बाकी सब बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। फेयरिंग टूट गया है, बाकी सब बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। गार्डियन गियर का टैंक बैग घस गया है, बाकी सब बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। और बस लास्ट में क्या है, अपना हैंड गार्ड भी घस गया है, बाकी सब बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट इज़ 10 o'clock इन द मॉर्निंग। लास्ट वीडियो यहीं पे एंड किया था। ये वीडियो हमारी जर्नी का कंटिन्यूशन होगा। अब यहाँ से हम लोग आगे जाने वाले हैं टूवर्ड्स तनोट माता एंड लॉन्गेवाला, क्योंकि यहाँ तक आए तो पाकिस्तान बॉर्डर पास है, तो लॉन्गेवाला देख के जाते। तनोट राय माता मंदिर भी यहाँ से आगे, तो वो भी देख लेंगे। यहाँ का स्टे बढ़िया था, आने का डिसीजन भी अच्छा था। अच्छा हुआ कि मुंबई नहीं गया और यहाँ पे आगे रुक गया, क्योंकि अच्छी जगह थी। एंड लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया जगह है ये। अभी यहाँ से टाटा बाय बाय करके निकलेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग निकल रहे हैं, सबका चेकआउट चालू हो गया है। 9:30 का चेकआउट था, अभी 10 o'clock हो रहा है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द व्लॉग गाइस। सो व्हाट इज़ अप ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है दिल एंड हाउ इज एवरीवन गाइस। तो मिलता हूँ मैं आपको GoPro के सेटअप पे, एंड मिलते हैं ऑन द वे रोड पर कहीं पर। तो आज का जर्नी होगा अराउंड 275 किलोमीटर्स, 5 घंटा दिखा रहा है। यहाँ से हम लोग जाएंगे लॉन्गेवाला, वहाँ से तनोट माता, फिर रिटर्न जैसलमेर। तो जैसलमेर आते आते शाम हो जाएगी। और भाई मिल गए हमारे, ये हमारे सब्सक्राइबर भी थे, उनसे बात कर रहा था। आप लोग जैसलमेर जाओगे ना, हम तो अभी थोड़ा घूम फिर के जाएंगे। तो यही रूट पकड़ के आ जाओ ना, मैं सेम रेत वगैरह है के बीच में, है ना। चलो भाई, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, रेत पे बाइक चलाना मतलब टेंशन वाला काम है। यहाँ से बाहर निकलना ही एक टास्क है, अलग टास्क है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, रेत में चलाना है ना, अलग ही सीन है। अगर आरिफ भाई मिले तो मिलते हैं। ओ भाई, अरे आवाज़ आ रही है यार एक चीज़ की। अच्छा ये टूट गया मेरा, इसीलिए तो आवाज़ आ रही है। ये क्लैम्प टूट गया, कोई बच्चे दौड़ा नहीं ऐसे, पता नहीं टूट गया, पर इसीलिए तो आवाज़ आ रही है। कुछ जंप एक्स्ट्रा है था, हाँ टूट गया। कोई रस्सी वगैरह कुछ मिलेगा क्या, बांध देता इसको। शाम गाँव आगे थोड़ा थोड़ा टिचका मारा दो, वेल्डिंग का। वेल्डिंग है शाम गाँव में? शाम गाँव में अच्छा है क्या, वेल्डिंग कर लेगा ना, एक सही हो जाएगा। नहीं अभी फिलहाल के लिए कोई रस्सी वस्सी मिलेगा क्या? 2 किलोमीटर आगे। अच्छा 2 किलोमीटर आगे रास्ता है। ये आरिफ भाई है, इनके थ्रू आया था, बहुत बढ़िया लगा, बहुत मज़ा आई। छोटी मोटी कोई कमी पेशी हो ना, माफ करना। नहीं, कुछ भी कमी कुछ नहीं थी, बहुत बढ़िया था। कोई भी आएगा तो आरिफ भाई से मिलो, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से कॉल करके आना। ओएसिस कैंप, ये वाला कैंप है, ओएसिस कैंप सम। चलूँ मैं, मिलते हैं फिर से। हाँ हाँ आवाज़ आ रहा है, चलो मिलते, बाय। चलिए भैया, शुरू हो गया अपना शुरू हो गया अपना सफ़र, और आगे बढ़ते हैं 117 किलोमीटर टूवर्ड्स लॉन्गेवाला। पहले लॉन्गेवाला, फिर तनोट माता, और उसके बाद की जर्नी अलग जर्नी है। वो ट्रिप को कर लिया 0, पेट्रोल है अपने इसमें। अभी तनोट माता तो चले जाएगा, बीच में कहीं पेट्रोल पम्प मिला रिजर्व में आई गाड़ी तो भर देंगे, क्योंकि वो साइड में मैंने सुना है कि लास्ट पेट्रोल पम्प वहीं पे है, उसके बाद में पेट्रोल पंप नहीं है। कल शाम को जब यहाँ से आ रहा था, ये सारे फुटेजेस मेरे डिलीट हो गए कि रिकॉर्ड नहीं हुए, समझ में नहीं आया मुझे, था ही नहीं रिकॉर्डिंग में। जो भी हुआ पर वीडियो बन गया। तो नाश्ता वगैरह तो हो गया है, अभी कोई ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधा 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 अपने को चलना है। आज का जर्नी लॉन्गेवाला। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, बहुत सारे कैंप्स है, बहुत सारे। जैसे मैं एक कैंप पर रुका था, वैसे बहुत सारे कैंप्स है, सबका अलग अलग पैकेजेस है। अभी यहाँ का तो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे आना चाहिए, पर ठंडियों में आना चाहिए, गर्मियों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ए भाई हड़िया, हाँ भागो 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 भागो। रोड अच्छा है, सुरसाट खींच सकते हैं, मगर बीच बीच में ये ऐसे छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर आते हैं, जैसे गाय आ गई, बकरी आ गई, मेमना आ गया, बैल आ गया, कुछ भी आ जाता है बीच में। यही स्पीड ब्रेकर है इस रास्ते का, वरना तो रास्ता सीधा 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 ही है। खींचो खींचो खींचो, कोई भी नहीं है। देखो ना, मैं कम से कम 15 किलोमीटर से चला रहा हूँ, 15-20 किलोमीटर से, मेरे को एक बंदा भी नहीं दिखा इस रास्ते पे, बस गाय बैल भैंस। ओ भाई इंसान दिख गया मुझे, इंसान दिख गए, इंसान दिख गए। इस वाले राइड पे हर टाइप के रोड पे बाइक चला लिया मैंने, बर्फ़ में, बारिश में, सैंड में, बजरी में, सीमेंट में, ऑन रोड, ऑफ रोड, सब कुछ एक ही रेट में सब कुछ। बीच में अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का साइड मिल गया है, रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। स्पीड आपका ड्रॉप हो जाएगा अच्छा खासा। कितने 1 2 4 6 10 10 किलोमीटर है लगता है ऐसा। बीच में अच्छा रोड चालू होता है, फिर कंस्ट्रक्शन चालू हो जाता है, फिर बीच में अच्छा रोड चालू हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद कंस्ट्रक्शन का साइट आ जाता है। देखो सामने कंस्ट्रक्शन का साइट चल रहा है, आधा आधा रोड बना है, आधा 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 आधा। अब यहाँ से 3-4 किलोमीटर के बाद में 2 रास्ते आएंगे ऐसे, एक जाएगा टनोट माता, दूसरा जाएगा लॉन्गेवाला। तो अपन पहले लॉन्गेवाला जाएंगे, फिर ऐसा घूमेंगे, तनोट माता का मंदिर देखेंगे, फिर वहाँ से रिटर्न आएंगे इसी रोड से जैसलमेर रिटर्न। अब ये वो टर्न है जहाँ से ये तनोट माता एंड यहाँ से लॉन्गेवाला। ग्रुप राइड में मज़ा आती है, बट एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, सोलो राइड का मज़ा कुछ अलग ही है। सोलो राइड का सच में एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस लगता है। सोलो राइड में मैं एक्चुअली फुल ऑन एंजॉय करता हूँ, जहाँ मन किया वहाँ रुकता हूँ, जहाँ मन नहीं किया वहाँ नहीं रुकता हूँ। फुल वादी का आनंद लेते हुए, भगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। मैं आराम से 80 90 100 खींचता हूँ। ओहो ये देखो, ये जो स्पीड है ना 96 100 110, इसमें एकदम सुकून से अपन वादियों का मज़ा लेते लेते जा सकते, देख देख के जा सकते। दोनों का अपना अपना मज़ा है। मेरे को सोलो राइड ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो ना अकेला इस रोड पे, अपना ही रोड है भाई, बिंदास चलाओ बिंदास। आज एक्चुअली राइड का मेरा 15वां दिन है, 15th डे। एन्जॉय कर रहा हूँ मैं, एन्जॉय एकदम आराम से एन्जॉय। लगा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। गाड़ी उलट गई यहाँ पे रेत में। अब ये रेत का ही सीन है ना, जो अपने को जमता नहीं है भाई। हो। अब इसको उठाना एक कष्ट है। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। तो यही क्या मदद करने वाला। थोड़ा चोट तो नहीं लगी, चोट नहीं लगी। दिन रात यहाँ रहते हैं, हम भी गिर जाते हैं यहाँ से। यहाँ से गिर जाते हो आप लोग भी? अरे हम भी गिर जाते हैं। आराम से भैया एकदम। ये बहुत बेकार है, हवा चलती है भाई क्या करें। चढ़ा नहीं, हवा नहीं, एक्चुअली यहाँ पे गिर गया मैं, चढ़ाने बीच में कुछ। हाँ पता नहीं चलता ना, पता नहीं चलता। हाँ अच्छा एक मिनट भैया, एक मिनट इसको मैं लगा देता हूँ जरा। आप अकेले हो, आपके साथ कोई ग्रुप था? नहीं नहीं अकेला ही हूँ, अकेला हूँ इसलिए रुक गया। कहाँ से आए भाई? ये यहाँ बहुत बेकार है ये वाला, ये टर्न है ना। महाराष्ट्र से आए हो? महाराष्ट्र से आया हूँ। अभी 2-4 दिन पहले हम गिरे थे। अच्छा आप भी गिरे थे? ये फट गया यहाँ से, हम दोनों ही गिरे थे। अच्छा गिर जाते हैं यहाँ पे। हाँ नहीं समझता एक्चुअली। कब के चले हुए भाई साहब आप? मैं तो अभी 15 दिन हो गया। हो ये तो नुकसान हो गया। घूमने के पर्पज से निकले हो या कुछ और मकसद था आपका? देखो बहुत सारे आपने ले रखे हैं। BMW गाड़ी कौन सी है ये? ये BMW की है। आपकी पर्सनल है ये? हाँ पर्सनल है। ओहो ये भी बेंड हो गया। ये क्या आइटम है? ये तो लाइट था, अब लाइट था, अब बेंड हो गया ये। तो ये क्या चीज़ है आपके मुँह के आगे? ये कैमरा है भाई। क्या बताता है आपको? ये बताता कुछ नहीं है, बस कैमरा है। रिकॉर्डिंग हो जाती है, आप जहाँ भी जाते हो रिकॉर्डिंग होती है। यस यस। अच्छा ये भी टूट गया यार। ओहो मतलब नुकसान हो गया है अच्छा खासा। नहीं अच्छा खासा तो कहाँ हुआ है, यही तो टूटा है। ये भी टूट गया ना, ये तो टूट गया है, नुकसान तो हो गया है। कितने सीसी की बाइक है भाई साहब ये? 300 सीसी की बाइक है। ओ भाई खींचे क्या थोड़ा? ये भी मतलब अंदर की तरफ गया है। हाँ थोड़ा गया अंदर की तरफ। हाँ मतलब ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है ये। हाँ अंदर की तरफ चला गया वो। तो कोई फेविकिक वगैरह? ये आपका इस पैर रखें। चलो लगी तो नहीं, लगा तो नहीं मेरे को कुछ नहीं लगा, बस वही है। अब बाइक का नुकसान हो गया, नुकसान तो अभी थोड़ा खींच देंगे तो बाहर सही हो जाएगा। बस बाकी सेटिंग कर दूंगा मैं बाद में। आप जिस हिसाब से गिरे थे वैसे लगी नहीं आपको? जिस हिसाब से गिरा उस हिसाब से लगी नहीं एक्चुअली। हाँ, रेगिस्तान में गिरना तो आम बात है, हम देख ही रहे थे। अच्छा आप देख रहे थे क्या? हाँ, हमारा चलना हुआ उधर से स्कूल से अभी। अच्छा वहाँ से ना? ये कुछ है टीला यहाँ पे शायद। ये अब ये पहिए तो इधर आ जाते हैं गाड़ियों के, ये बीच में इकट्ठा हो रहा है। हाँ, ये तो लीक बनी हुई है पहियों की। हाँ, मगर मैं गिरा यार, फिर इतना नुकसान कैसे हो गया? चलो ठीक है। बाइक थोड़ी आपकी इधर पड़ी ना आके, यहाँ पे धूल अगर रेत में डलती तो नुकसान नहीं होता। यहाँ रेता नहीं था। हाँ वहाँ पे रेता, हाँ यहाँ गिरी ना। हाँ यहाँ रेता नहीं था इसलिए नुकसान। हाँ ये ना गार्ड था, गार्ड ने बचा लिया। महाराष्ट्र से कहाँ पहुँच गए यहाँ के इस रेते में। चलो ठीक है ऐसा, चलिए भैया बढ़िया है। चलिए भैया थैंक यू। तो आज तो हो गया अपना नुकसान, क्या कर सकते हैं भाई। गाड़ी चलाना छोड़ दे, क्या करूँ मैं, छोड़ दूँ? नहीं छोड़ सकता ना भाई। अच्छा ये तो गया, अच्छा वो लीवर वीवर टूटा नहीं, वरना यहाँ पे कहाँ पे लीवर ढूंढता है। हाथ में लगी तो नहीं? लगी तो है। आओ शाबाश, हाँ लगी है। चलो इतने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। भीड़ में नहीं गिरा एक्चुअली, ये रेत में टायर धंसा। अब लोकल ही लोग गिर रहे तो हम तो क्या ही बोले अभी। हाँ देखो उसी जगह पे, वहाँ से आया मैं ऐसा गिरा। चलो जो भी है जैसे भी गिरा, अब गिरा तो कहानी ख़त्म, टेंशन नहीं लेने का। लौंगे वाला ज़्यादा दूर नहीं है। फाइनली पहुँच चुका लौंगे वाला। बड़े कायदे में गिरने के बाद गाड़ी में थोड़ा नुकसान हो गया है गाड़ी का। अब जो वो हो गया, हाथ हल्का हल्का पेन कर रहा है मेरा, ये लेफ़्ट वाली उंगली जहाँ पे चोट लगी है और ये थंब, दो चीज़ पेन कर रहा है। बाकी सब बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। लाइट दोनों बैंड हो गई, बाकी सब बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। पेयरिंग टूट गया है, बाकी सब बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। गार्डियन गियर का टैंक बैग घस गया है, बाकी सब बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। और बस लास्ट में क्या है, अपना हैंड गार्ड भी घस गया है, हैंड गार्ड टूट गया है। तो बाकी सब बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं, सच में कोई टेंशन नहीं है एक्चुअली। हो एक चीज़ तो देखा ही नहीं मैंने, ये देखो। अब ये नहीं होगा तो आगे का ब्लॉगिंग कैसे होगा? सीधा करके देखते हैं भाई। तो ये भी हो गया, बाकी कोई टेंशन नहीं, बाकी सब बढ़िया है। हंसी आ रही है मेरे को, हंसी ऐसी आ रही है, दर्द दे रहा है यार, हाथ दर्द दे रहा है। मगर लौंगे वाला पहुंच गए हम लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लौंगे वाला घुमाता हूँ आपको, फिर घर पे जाके चेक करेंगे क्या लगा है क्या नहीं लगा है, और होटल होटल बुक करके बाद में चेक करेंगे। ऐसे टनोट बोले नहीं यार, टनोट माता टेम्पल भी यहाँ से आगे ही है, वहाँ जाएंगे। तो बात करते हैं लौंगे वाला की। जो बॉर्डर मूवी आपने देखी है ना, उसकी जो स्टोरी हुई थी वो असली स्टोरी यहाँ की थी, लौंगे वाला की। वही जो वॉर हुआ था वो सब यहाँ पे हुआ था, एंड पाकिस्तानी टैंक्स वगैरह जो कब्जा कर लिया था वो अभी भी यहीं पे पड़ा हुआ है। तो रहेगा, अंदर दिखाता हूँ। अभी अंदर जाते हैं अपन पहले, एंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ मैं, एंड फिर अंदर जाता हूँ और फिर घूमते फिरते एंड लौंगे वाला देखते हैं। तो गाइस ये वही टैंक है जो पाकिस्तानी आर्मी का था वो लोग लेके यहाँ पे आए थे, बट देन वी कैप्चर्ड इट। वहाँ पे भी एक टैंक है एंड बहुत सारे वॉर मेमोरियल्स है। सिनेमैटिक में आपने देखा होगा जो जो चीज़ें यूज़ हुई है ना वो सारी चीज़ों को यहाँ पे रखा है। ये टैंक पाकिस्तानी आर्मी का, उसमें झंडा भी है। वॉर म्यूजियम के अंदर था मैं अभी। यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हो, एंट्री वगैरह टिकट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, फ्री है। अब ऑडियो विजुअल थिएटर अगर जाना है ना आपको तो उसका 25 रुपीज़ पर हेड चार्ज है, पर उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट अभी लग चुका है मुझे, और 15-20 मिनट शायद लगेगा क्योंकि इससे मेरे पहले वाला राउंड जाएगा, उसके बाद में जाऊँगा, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी उसको फ़िलहाल के लिए कैंसिल कर दूँ। तो एक्चुअली सच बताओ तो गिरने का मेरे अंजर पंजर ढीले हो चुके हैं, तो मेरा भी ऐसा जितना कुछ मूड नहीं हो रहा, एनर्जी भी लो लग रहा है, तो मेरे को थोड़ा कहीं पे रुकना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा। व्लॉग में ऐसा उदास उदास रहूँगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो अपन एकदम फुल ऑन एनर्जी के साथ बात करेंगे, भले ही गिर पड़ के बात करें, एंड आगे का व्लॉग कंटिन्यू एकदम फुल जोश में करेंगे। तो सीन क्या है यहाँ का, मैं आपको थोड़ा मोटा माटी बता देता हूँ। जब पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ पर हमला किया था, उनको क्या लगा, वो लोग लॉन्गेवाल कब्ज़ा कर लेंगे, देन यहाँ से जैसलमेर पूरा कब्ज़ा कर लेंगे, बट हमारी इंडियन आर्मी थी जो तस से मस नहीं हुई। जो मेन ऑफिसर थे उनके पास दो ऑप्शन था, या तो छोड़ के भाग जाए या तो लड़े, तो उन्होंने लड़ने का फैसला लिया। जैसे मैंने इस ब्लॉग को आगे एनर्जी के साथ में बनाने का फैसला लिया है, थोड़ा मैं इंस्पायर हो गया उनसे, तो इसलिए आगे का ब्लॉग एकदम फुल जोश में करेंगे। अब दर्द वाल देखा जाएगा बाद में, घर पर जाके देखते हो सब। एंड यहाँ पे पाकिस्तानी टैंक है जो बहुत बुरी तरह से उसकी हालत ख़राब हो चुकी है। ये वही टैंक है, इसकी हालत देखो। अब ये टैंक लेकर आएंगे, ये और वो बड़ा भी टैंक था, बट ये सारे टैंक लेकर आप लोग आ रहे थे, क्या बोलूँ। इसकी हालत तो देख ली आपने। वहाँ पे एक ट्रक भी है, पाकिस्तानी ट्रक, हमने उसको रखा है देखो यहाँ पे बच्चों के सेल्फी निकालने के लिए। आई एम श्योर कि ऐसा नहीं होगा जब वो लाए थे इसको, बट अभी इसकी हालत देखो, वो भाई इसकी हालत देखो पूरी तरह से। बच्चों बड़ों ने सेल्फी निकाल के इसकी हालत और ख़राब कर दी है, बदला ले रहे वो लोग भी। यहाँ से निकलते आगे की जर्नी कंटिन्यू करते तनोट माता टेम्पल की तरफ, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर दूर है शायद। तो गाइस स्टार्ट करते हैं सफ़र आगे का। पेट्रोल पंप भी अपने को मिलेगा वहीं पे। बहुत आवाज़ कर रहा है। फिर तनोट माता टेम्पल 38 किलोमीटर्स 41 मिनट्स। पेट्रोल पम्प मिल जाए तो बेटर है, तो इसीलिए आराम से चलाएंगे, वरना भगा भगा के जाऊंगा ना, मेरा जो माइलेज है वो ड्रास्टिकली लो हो जाएगा। बर्फ़ में मेरे को लगता था कि बहुत टफ है, रेत में चलाना और भी टफ है यार, नहीं बर्फ़ में ज़्यादा टफ है एक्चुअली, पर रेत का अपने को अंदाज़ा नहीं है ना, अभी अंदाज़ा हो जाएगा धीरे धीरे। 2-4 बार और गिरेगी तो पूरा अंदाज़ा हो जाएगा रेत का। होता है ऐसा सब कुछ राइड में होता है, कोई दिखाता है कोई छुपाता है, मगर होता ज़रूर है। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं तनोट माता टेम्पल। ये पीछे टेम्पल है मेरे। अब एक दिक्कत आ गई यहाँ पे, मेरी गाड़ी का पेट्रोल बहुत लो है, 25 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है, और यहाँ पे 25 किलोमीटर के रेंज में मेरे को नहीं पता कि कोई पेट्रोल पंप है या नहीं। BSF का एक पेट्रोल पंप है, बट वहाँ पे सिविलियंस को पेट्रोल भरने नहीं देते, तो बॉस बेसिकली मेरी लग जाएगी अगर पेट्रोल नहीं मिला तो। मैं अभी थोड़ा छानबीन करता हूँ पहले पेट्रोल का, फिर मंदिर के दर्शन वगैरह करवाता हूँ। अब तनोट माता टेम्पल का जो मेन हिस्ट्री है वो ये है, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1965 में, तो बहुत सारे जो बम है पाकिस्तान ने इस तरफ फेंके थे, वो ज़्यादातर बम जो तनोट माता टेम्पल के आसपास गिरे वो फटे ही नहीं, इसीलिए इस मंदिर को थोड़ा चमत्कारी माना जाता है। 400-450 बम अंदर पड़े हैं, जिंदा बम, जो मतलब अब तक फटे नहीं है। पाकिस्तान ने फेंके पर यहाँ पे गिरा पर फटा नहीं। मैं अंदर जाता हूँ, अभी सिनेमैटिक्स देख लो तनोट माता टेम्पल के, एंड देन फिर यहाँ से हम लोग को निकलना है पेट्रोल ढूंढने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा टेंशन मुद्दा अभी वही है। अंदर मंदिर के अंदर दर्शन तो हो गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मंदिर है। एंड बहुत भीड़ भी, क्योंकि लोंगेवाला जो जो जाता है वो सारे लोग यहाँ पे आते ही है। फेमस टेम्पल है, मिरेकलस टेम्पल है, इसलिए लोग आते हैं यहाँ पे। बस अभी माता रानी की कृपा से हमको कुछ मिल जाए पेट्रोल का जुगाड़ तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि मैंने 2-3 जगह पूछा है अभी लोकली, जिसके पास लोकली पेट्रोल होता है ना वो बोल रहा है कि मेरे पास अभी ख़त्म हो चुका है पेट्रोल, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट पेट्रोल स्टेशन इज़ अराउंड 54 किलोमीटर्स। मेरी बाइक में 25 किलोमीटर्स का रेंज है, उससे ज़्यादा रेंज नहीं है, तो बड़ा दिक्कत होने वाला है। जैसलमेर जाना है अपने को, कैसे भी 1-2 लीटर का जुगाड़ हो जाए तो अपन नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। बाकी तो ऊपर वाली की दया है, ऊपर वाली का कृपा है, अब जैसा होगा जो होगा वो देखा जाएगा। तो भाई बड़ा दिक्कत है, 24 किलोमीटर्स का रेंज है और 21 किलोमीटर दूर बोल रहे हैं कि एक शॉप है वहाँ पेट्रोल मिलेगा 100% ऐसा बोल रहे हैं। ये 25 किलोमीटर दिखा रहा है, 25 किलोमीटर जाना भी तो चाहिए ना। रनाव करके एक गांव है वहाँ पे मिलेगा। अब लेट्स सी, सीधा ये रोड है 20 किलोमीटर पे, यही रोड 20 किलोमीटर पे। अब मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, नहीं मिला अगर पेट्रोल आज तो लग गई बॉस, ज़्यादा एडवेंचर हो जाएगा। मंदिर के बाहर पेट्रोल मिलता है पर अभी उसके पास भी नहीं है, 2-3 लोगों को पूछा। और रोड भी ख़राब है ये वाला, हम लोग वो वाले रोड से आए थे और लोंगेवाला से, अभी यहाँ से आगे का रोड ख़राब है। ज़्यादा दौड़ाना नहीं है, 60-70 के स्पीड में चलाए गए तो थोड़ा पेट्रोल अच्छा मिलेगा अपने को, फ्यूल एफिशिएंसी, वरना तो आज तो धक्का मार जॉब होने वाला है अपना। रेगिस्तान है, इसके बीच में बंद हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। आज क्या क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है आज। तो अगर आप लोग आ रहे हो ना प्लीज़ पेट्रोल फुल करके आना है इधर पे। एक ही उम्मीद है, रनाव गाँव में गेवर सिंह की दुकान, वहाँ पर पेट्रोल मिल गया तो लाइफ चिंगा ला रहा, 2 लीटर मिला तो अपना काम फिनिश। एक तो पेट्रोल ख़त्म, ऊपर से रोड ऐसा रेत आ रहा है, क्या बोलूँ मैं आज, क्या किसका मुंह देखा था सुबह सुबह। मिल जाएगा भैया पेट्रोल 2 लीटर दीजिए। नज़दीकी पेट्रोल पंप कितना दूर है? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर है, 3 लीटर दीजिए फिर। 5 लीटर का कैश नहीं मेरे पास, वो आप 3 लीटर दीजिए मेरे को। और ये रोड आगे तक ऐसे ही है, अच्छा कहीं कहीं ख़राब है कहीं कहीं अच्छा है। अरे यार बहुत बेकार है यार, ये रेत में चलाना वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो 3 लीटर पेट्रोल मिल गया भाई, नज़दीकी पेट्रोल पंप तक जाने के लिए रिस्क ही नहीं उठाना, एक में काम हो जाता था, 3 लिया है, 120 रुपये लीटर। एंड क्या सब उल्टा पुल्टा हो रहा है आज, कोई टेंशन नहीं लेने का। चल पूरा उतर, पैसा दिया 120 रुपया। तो कम से कम नज़दीकी पेट्रोल पंप तक जा सकती है दौड़ा दौड़ा के। लेकर एडवेंचर कब वायरल होएगा मेरा वीडियो। आप तो बहुत फेमस हो। तनोट माता है मेरे को बोला कि यहाँ पे पेट्रोल मिलेगा, गेमर सिंह की दुकान। आप ही हो क्या? बहुत फेमस हो आप तो। रनाव गाँव है, नहीं रनाव गाँव में पेट्रोल चाहिए रहेगा तो भाई गेमर सिंह जी के पास आए, मिलेगा आपको पेट्रोल। चलो भैया रोड ऐसे ही है। अब 3 लीटर पेट्रोल डाल दिया, एक माजा मैंने पिया, एक पेड़ा लिया, आधा उन्होंने खाया आधा मैंने खाया। देखो 25 किलोमीटर बराबर था, 25 किलोमीटर में 20 किलोमीटर आ गया, 4 किलोमीटर बचा, 1 किलोमीटर फिर भी खा लिया सारे ने। अब मैंने डिसाइड कर लिया, रेत आई ना तो अपने दोनों टांग नीचे, रिस्क ही नहीं लेना मेरे को। बहुत बेकार रोड है यार, धस गई क्या? भाई साहब बहुत बेकार रोड है यार, क्यों आ गया मैं इधर से। आ गए वो पॉइंट पे जहाँ पे लोंगे वाला और तनोट माता का दो अपने को राइट लेफ्ट मिला था। बस वही दिक्कत वाला पैस था, बहुत बेकार रोड था, बेकार मतलब बेकार, एकदम दिमाग की धई हो गई मेरी। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका होगा, शॉर्ट कर सकता था मैं ये सब नहीं दिखा के, बट क्या करूँ, मन नहीं मानता। मेरे को लगता है कि आपको जानना चाहिए, देखना चाहिए सब कुछ। और गाड़ी का हालत देखो, ये लाइट टेढ़ा हो, वो सीधा, क्या क्या हो गया है भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो भैया पेट्रोल का काम हो गया फुल, 861 रुपये का पेट्रोल आया। 95.66 का रेट है यहाँ पे। क्या हो रहा है भाई, क्या करूँ मैं, छोड़ दो ट्रैवलिंग, छोड़ दो इतना महंगा पेट्रोल देख के। 66 किलोमीटर जैसलमेर है यहाँ से, तो 1 घंटा दिखा रहा है, तो मैं आपको डायरेक्ट जैसलमेर मिलूंगा। सो गाइस फाइनली रीच जैसलमेर। जैसलमेर पहुंच तो गया था मैं 5 बजे के टाइम पे, अभी बज रहे कुछ 8। और मैं बाइक लेके गया था बाहर थोड़ा दिखाने के लिए कि वो उसको नट बोल्ट नट बोल्ट कुछ टाइट वाइट करके वो आवाज़ आवाज़ बंद हो जाए, लाइट वाइट बैंड हो गया है ना, तो मैंने सोचा कि कर देता हूँ, पर वो हुआ नहीं। अभी से आगे का सफ़र मुंबई का होगा, बाइक देना पड़ेगा मुझे सर्विस सेंटर में, पार्ट पुल जो ढीले हो गए उसके। आज का दिन बड़ा हेक्टिक था, सोचा नहीं था इतना हेक्टिक होगा। बाइक गिर गई ना, उसके बाद मेरा मूड ही ऐसा हो गया। 5 बजे मैंने सोचा कि राइड एंड करते हैं, जैसलमेर में रूम ले लिया। रूम मेरे को बहुत बढ़िया मिला, देखो रूम बहुत बढ़िया है, वॉशरूम तो और भी अच्छा है। ये देखो, यह बाहर से दिखा दूँगा आपको, ये देखो, ये देखो, शाम के टाइम पे बस मेरे को यही सुकून मिल गया कि भाई होटल बहुत बढ़िया मिल गया एंड नीट एंड क्लीन है। बाहर से कल सुबह दिखाऊंगा, बहुत अच्छा दिख रहा है बाहर से, जो स्ट्रक्चर है पूरा फोर्ट वाला स्ट्रक्चर है। सॉरी गाइस मैं ज़्यादा एक्सप्लोर और नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी घर जाने का टाइम आ चुका है, घर जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग हो गई, बहुत दिन से घूम रहा हूँ, ऑलमोस्ट 15-16 दिन हो गए। अभी कंटिन्यूस राइड हो रहा है ना, एक्चुअली वो थोड़ी दिक्कत हो गई। अगर रेस्ट वेस्ट होता बीच बीच में तो कोई बात नहीं होती। वो वैसे भी घर जाने के बाद मैं जल्दी में कोई बड़ी राइड पर जाने वाला हूँ, वो ऑलरेडी प्लान है, तो उसके बारे में उसका वेट करो आप, कोई टेंशन मत लो। राइड आएगी एंड अच्छे राइड आएंगे, बड़े बड़े राइड आएंगे और मज़ा आने वाली राइड्स में। तो अभी मुंबई का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो एनीवेज इट इज़ टाइम टू एंड दिस व्लॉग। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कोशिश पूरी की है कि अच्छा बने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा एंड फुल जोश में मचाते रहो। चलो गाइस बाय, टेक केयर।